करार है, तू करार है, तू करार है। छिछोड़ा, अब माया का कोई भी रिश्ता आया मैं उसकी वहीं पे शादी करूंगा, ये मेरा फैसला। तुम आसानी से भला किसी को घास थोड़ी डालती, मुझ समेत कितने लड़के यूनिवर्सिटी में तुम पर मरते थे। सब लोगों ने मुझे ही जलील करवाने की ठान रखी है। अगर उन लोगों के जाने से पहले माया नहीं आई ना, तो तुम्हारे बड़े अब्बा मेरा हशर कर देंगे। आजा भाई, आजा, आजा, आजा। फरिया, कुछ लेके आओ ना बेटा, चाय भाई को बंदोबस्त करो। भाई तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई सराज मियां। मैं तो बड़ी फिक्रमंद थी कि न जाने कैसे लोग होंगे, मिजाज कैसा होगा। आजकल तो पता है ना जमाने में कैसे लोग हैं, अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं। बहरहाल जीते रहो, खुश रहो। आपके मुंह से दुआएं सुन के बहुत अच्छा लगा। माँ बाप के जाने के बाद तो कोई दुआ देने वाला है ही नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ रिश्ता जोड़ के। वैसे ये तो किस्मत की बात है, खुदा को मालूम है कि उसे क्या मंजूर है आगे। लड़कियों के लिए रिश्ते आना तो मामूल की बात है, लेकिन मेरी माया के लिए आए दिन कोई ना कोई चला आता है। माया कहाँ है बेटा? आओ ना उसे। बड़े अब्बा मैं देख रहा हूँ। तो ये है तुम्हारे घर, अंदर आने का नहीं कहोगे? अभी नहीं, घर में कुछ मेहमान आए हैं, प्लीज बुरा मत मानना सलमान। मजाक कर रहा हूँ, वैसे भी मैं अभी गांव की तरफ निकल रहा हूँ जमीनों के सिलसिले में। वापस आने के बाद तुम्हारे अब्बा से जरूर मुलाकात करूंगा। उम्मीद है इस बार तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। तुम्हें पता है तुम्हारे इनकार करने के बाद मैंने कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया। ये किस तरह की बेवकूफी की बातें करो सलमान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस करो, हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है माया। एक दूसरे को 10-12 साल से जानते हैं, तुम्हें और कितना वक्त चाहिए? मैं वापस आकर तुम्हारा जवाब जरूर सुनना चाहूंगा। तुम्हें रोकना चाहिए था माया को, देखो कितना बुरा लग रहा है। और क्या सोचेंगे वो लोग कि जिसके लिए आए थे वही गायब है। वो कभी इस तरह इतनी देर के लिए नहीं जाती, पता नहीं कैसे चली गई आज। बस आती ही होगी ना, तुम थोड़ा वेट कर लो। अरे आगे माया, माया कहाँ रह गई थी तुम? वो लोग इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जल्दी से जाके चेंज करके आ जाओ प्लीज। मैं ऐसी ठीक हूँ, और वैसे भी जिस तरह के तुम्हारे मेहमान हैं उस लिहाज से तो ये भी बहुत। शुक्र करो कि मैं आ गई। आजाओ बेटा, आओ आओ बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटियां तो खुदा की रहमत और घर की रौनक होती है। जितनी जल्दी इनका फर्ज अदा हो जाए, हर माँ बाप की ये तमन्ना होती है। जी हाँ, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। अम्मार तुम्हारे सामने है सराज मियां, हम सीधे साधे लोग हैं। उम्मीद है तुम हमें मायूस नहीं करोगे, इंशाल्लाह खुशी की खबर लेकर जाएंगे। जी जी। वैसे अपने मुंह से कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरी माया में कोई कमी नहीं है। माशाल्लाह हजारों में एक है। इसके लिए अच्छे से अच्छा सोचना हमारा हक भी है और फर्ज भी। वैसे आप मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा,
हम आपको अच्छी तरह सोच समझ के ही जवाब देंगे। नादरा को शायद एकदम से हाँ कहना मुनासिब नहीं लग रहा, इसलिए रस्मी बातें कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिश्ता इंशाअल्लाह हमें बहुत खुशी देगा और दोनों खानदानों को जोड़ेगा, इसलिए मेरी तरफ से तो हाँ है। फरिया मुंह मीठा करवाओ ना बेटा। जी, तुमने तो मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी, मेरे दिल से दुआएं निकल रही है तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। माया मेरी बात कहा था ना मैंने आपसे कि नहीं मिलना मुझे इन लोगों से, मगर आप ना मानी, मजबूर किया मुझे। अब आप ही बुक देंगे सारे किस्से को, क्योंकि मेरी तरफ से तो साफ साफ इनकार है। जाएं, जाएं, अभी जाके अब्बा से कहे कि मुझे उनका फैसला मंजूर नहीं। पता नहीं अमार की नानी क्या पढ़कर भूख कर गई है तुम्हारे अब्बा पर, वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कितनी बहस की है मैंने उनके साथ, मगर उन्हें तो ये लगता है कि जैसे तुम्हारा ये आखिरी रिश्ता आया हो, जिद लगाए बैठे। तो उनकी जिद क्या मेरी जिद से बढ़कर है? ये उनकी जिंदगी है या फिर मेरी जिंदगी है? होते कौन है वो आखिर मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने वाले? तमीज से बात करो माया, तुम बड़े अब्बा के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? और वो जो भी फैसला करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे। लो आ गई बड़े अब्बा की चमची। देखो तुम्हें बीच में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अम्मी इसे बोले यहाँ से जाए प्लीज। ना तुम उस दिन अमार और राणा के साथ बैठकर आती और ना ही ये मुसीबत आती। किस मुश्किल में डाल दिया तुमने फरिया हमें? क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तुम्हारा? बड़ी अम्मी मैं माया के लिए बुरा क्यों चाहूंगी? बहन है ये मेरी, मोहब्बत करती हूँ मैं इससे। कहने में और समझने में बड़ा फर्क होता है फरिया। और अगर इतनी ही मोहब्बत करती हो तो जाओ जाके राणा को मेरे इनकार के बारे में बता दो। अगर वो जरा से भी शर्म वाले होंगे ना तो यहाँ का रुख नहीं करेंगे। अरे जाओ ना, ज्यादा दिमाग चलाती है, फंसाया आपने मुझे। मान गई ना आप भी मेरी पसंद को? माया जैसी खूबसूरत लड़की किस्मत वालों को मिलती है नानी। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि इतना मुश्किल मरहला इतनी आसानी से तय हो गया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। खुदा करे कि आदत और इखलाक भी अच्छा हो माया का, वरना अच्छी शक्ल होना कोई खूबी नहीं है। सच पूछो ना, मुझे फरिया बहुत अच्छी लगी, मोहब्बत करने वाली, सादा दिल। माया की आदत भी बहुत अच्छी होगी नानी। अरे भला इतनी अच्छी लड़की बुरी कैसे हो सकती है? अरे बेटा बुराई नहीं कर रही मैं, दर हकीकत उसे अपनी अच्छी शक्ल पर बहुत गुरूर है। ऊपर से उसकी माँ ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है, देखा नहीं दोनों का बिहेवियर कैसा था। अरे नानी आप तो अभी से सास बन गए, उसको पहले यहाँ आने तो दें, अपने रंग में ढाल लीजिएगा उसको। अरे बेटा मैंने क्या करना है, वो खुद को तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ढाल ले, मेरे लिए यही बहुत है। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हो। अब मैं ना जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। इस वरान घर से मेरा दिल घबराने लगा है। काश जुनेद भाई भी पाकिस्तान में होते नानी, खुशी दुगनी हो जाती। क्या हो गया उसे, पागल तो नहीं होगी, दिमाग खराब हो गया उसका? और माफ करना इसमें भी तुम्हारा कसूर है नादरा, तुम कुछ समझाती ही नहीं है उसे, इस तरह तो अपनी जिंदगी तबाह कर लेगी वो। क्या हो गया आपको,
जो मुंह में आ रहा है कहते चले जा रहे, अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हो। और वैसे भी आप मुझे एक बात बताएं, आपने रिश्ते के लिए हाँ कर डाली, किसी से मशवरा करने की जरूरत भी नहीं समझी, आखिर किस बात की इतनी जल्दी थी आपको? सबके सामने मेरी बेइज्जती करा के रखी। कोई बेइज्जती नहीं हुई है तुम्हारी, तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इतना अच्छा लड़का मिल गया हमें माया के लिए, पर ना मैं तो बिल्कुल मायूस हो गया था। पिछले 8 सालों में कितने रिश्तों से इनकार किया है उसने। ये उसका हक है, पर माँ बाप के क्या हुकूक होते हैं? अपनी औलाद को समझाना। अगर उनकी औलाद अपनी बेवकूफियों की वजह से रास्ते से भटक जाए तो उन्हें सीधे रास्ते पे लेके आना। मेरी बच्ची बहुत समझदार है सराज साहब, वो अपना अच्छा बुरा खूब समझती है। खुशफहमी है तुम्हारी, अगर इतनी समझदार होती तो अपनी जिंदगी का फैसला बेहतर तरीके से कर चुकी होती। जब तक उसको उसके मियार का लड़का नहीं मिलेगा ना, वो शादी नहीं करेगी। अच्छा, पर ये मियार क्या है जरा मुझे भी तो पता चले। सलमान को इसे बताना बहुत जरूरी है। काश काश मैंने इसे कल ही रोक लिया होता। 15 दिन बहुत होते हैं, मैं इसे कहूंगी तो ये फौरन वापस आ जाएगा। ये अम्मार वाला किस्सा तो जितनी जल्दी खत्म होए उतना अच्छा है। मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, सलमान के पास वो सब कुछ है जिसकी तमन्ना की जाती है। बहुत सारी दौलत, बहुत बड़ा घर, फॉरेन ट्रिप्स, महंगे तहाइफ, लंबी लंबी गाड़ियां, जिंदगी की ख्वाहिशें तो इससे भी कुछ ज्यादा ही होंगी ना नादरा। कौन है जो ऐसा नहीं चाहेगा सिराज, हम कोई दुनिया से अलग लोग तो नहीं है, ये सब जरूरी है आखिर। तो हम क्या दुनिया से अलग हैं? हमें तो इन चीजों की कमी महसूस नहीं हुई, हमने तो कुछ भी मिस नहीं किया। आपको नहीं हुई होगी, लेकिन मैंने कदम कदम पे अपने दिल को मारा है सिराज साहब। गिने चुने पैसों में इस घर का गुजारा करना, बाजार में भरी हुई दुकानों से नजर चुरा कर चलना, ऑफ सीजन सेल में से खरीदारी करना, एक ही दाल सब्जी को रोज नए तरीके से पका लेना। इस घर को मैंने अपने तरीके से चलाया और मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी और ना ही मैं उसे करने दूंगी। सुन लिया आपने? से नानी, आज तो आपने इतनी लजीज निहारी बनाई थी ना कि मजा आ गया खाने में। कल ना हलीम बनाइएगा, बहुत दिनों से मेरा हलीम खाने का बड़ा दिल चाह रहा है। कल ही बना दूंगी अपने बच्चे के लिए, बल्कि ऐसा करती हूँ रात को ही चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे, सारी रात हल्के आंच में पकता रहेगा। शर्म करो अम्मार, नानी की क्या उम्र है इतनी मुश्किल मुश्किल खाने पकाने की? निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, जब देखो इतनी मुश्किल मुश्किल फरमाइशें करते रहते। तुम्हें अंदाजा भी है इन खानों को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तुम क्यों जलस हो रही हो, नानी की कोई इतनी एज थोड़ी है, और वैसे भी नानी जैसे खाने बनाती है ना वैसे खाने तो कोई बना ही नहीं सकता। नानी आपने ना सिर्फ पूरा बिगाड़ दिया है, मैं देखती हूँ माया आती है तो वो तुम्हें क्या क्या पका कर खिलाती है। और वैसे भी माया जो है ना अपने घर में कुछ भी नहीं करती है, उनका सारा काम नादरा आंटी करती है और वो बेचारी फरिया करती है। देखती हूँ जब किससे फरमाइश करेगा ये अम्मार। क्या मतलब, माया बिल्कुल भी पकाना नहीं जानती? अरे नहीं, कुछ तो आता होगा। अंडा उबाल लेती होगी, हाँ चाय भी बना लेती होगी, लेकिन मुझे वो भी कंफर्म नहीं है नानी। आप इसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा नानी, ये खामखाना आपको भड़का रही है माया के खिलाफ। बस कर दो भाई, जो हकीकत है मैं तो वो बता रही हूँ नानी। अब बस चुप भी कर जाओ राना, खैरियत से हो जाने दो मेरी शादी, इतनी मुश्किल से तो सारे मामला सेट हुए और तुम बात ही नहीं कर रहे। कितना खुश है अम्मा, इसकी खुशी देख के ही मैंने ये रिश्ता तय किया, वरना 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 क्या नानी? देखा नहीं माँ बेटी में कितना गुरूर था, बड़ा उखड़ा उखड़ा रवैया था उनका। वो तो भला उस राज भाई का, उनको इंसानों की पहचान है, वरना ये रिश्ता होना बहुत मुश्किल था। नहीं नहीं नानी,
माया बहुत अच्छी लड़की है, वो तो मैं अम्मार को चुड़ाने के लिए कह रही थी। आप फिक्र ना करें। काश अम्मार ने फरिया को पसंद किया होता, कितनी खुश मिजाज और सादा तबीयत है उसकी। मैं जा रहा हूँ। बड़े बाप, आप अभी कहाँ जा रहे हैं? आपने सुबह नाश्ता भी नहीं किया और अभी भी खाना खाए बगैर जा रहे हैं। खाना बस तैयार है, मैं आपको जल्दी से दे देती हूँ। मुझे भूख नहीं है बेटा, मेरा पेट भरा हुआ है और दिल भी नहीं चाह रहा। ऐसे कैसे दिल नहीं चाह रहा? प्लीज बड़े अब्बा, जितना करें थोड़ा सा खा लें, चले आए। खामखा क्यों जिद कर रही हो? बड़े अब्बा, आप परेशान है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर मुझे बताएं आप इस वक्त जा कहाँ रहे हैं? आज तो स्कूल की भी छुट्टी है, ट्यूशन की भी छुट्टी है, फिर कौन सा जरूरी काम है? नहीं, वो एक कोचिंग सेंटर की तरफ से जॉब की ऑफर हुई है, बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। इतने तो ट्यूशन्स हैं आपके पास, कितना थक जाते हैं आप, छोड़े ना कैसे करेंगे आप? फरिया, क्यों बहस कर रही हो? जाने वाले को टोकते नहीं है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है। सॉरी बड़ी अम्मी। अब अगर अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो आप मना मत कीजिएगा, क्योंकि पैसों की तो बहुत जरूरत है ना, 10 खर्चे रुके हुए हैं। पैसे तो जितने हो कम ही होते हैं। सुनो फरिया, माया ने रात से एक निवाला नहीं खाया, रो रो के उसका बुरा हाल हुआ हुआ है। ये कोई बात है, इन मामलात में इतनी सख्ती कोई अच्छी बात तो नहीं होती ना। मुझे तो डर है कि कोई जिद ना कर बैठे। तुम ऐसा करो, ट्रे बना के उसका उसके कमरे में लेके जाओ। जी बड़ी अम्मी। बस कर दो, मुझे परेशान मत करो फरिया, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूं। उठाओ इस खाने को और लेके जाओ बाहर, बार बार तुमसे उलझना नहीं चाहती मैं। माया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। तुम्हें पता है राणा ने इतनी तारीफें की थी अम्मार की, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है। लेकिन अगर तुम्हें अम्मार पसंद ही नहीं है तो फिर तो इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं है। यही तो मैं कब से कह रही हूँ कि अगर मुझे वो पसंद नहीं तो इस रिश्ते का क्या फायदा है। बात अब्बा को समझ क्यों नहीं आ रही? वो तो मेरे इनकार को अपनी इज्जत का मसला बनाकर बैठे, कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इस तरह की जबरदस्ती का बिल्कुल हक नहीं उन्हें। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे उन लोगों को यहाँ बुलाने से पहले तुमसे एक दफा पूछ लेना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी माया। तुम मुझसे तो नाराज मत हो, तुम जानती हो मैंने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया। मैं अम्मार से शादी नहीं करूंगी फरी, और मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले की वजह से अब्बा खुश नहीं होंगे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं तुम पर होगी। ये सारा सिलसिला तुमने शुरू किया, बहुत बुरा किया, मेरे साथ भी और अब्बा के साथ भी। माया प्लीज, तुम ऐसे मत कहो। एक दफा, एटलीस्ट एक दफा तुम ठंडे दिमाग से मार के बारे में सोचो तो सही। वो बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी नौकरी करता है, पढ़ा लिखा है, और ये कि अम्मार से बेहतरीन शख्स मेरी जिंदगी में आ चुका है। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने चाहा था। बहुत जला कर वो अब्बा से भी बात कर लेगा। हो गई तसल्ली? हाँ, एक और चीज, बस अब तुम इस अम्मार वाले किस्से को ना जल्दी खत्म करो, बगैर अब्बा को बीच में लाए हुए। अरे वाह, क्या बात है। आओ आओ बैठो। कब से संभाल के रखा था ये सब कुछ, और ये जेवर आधा तुम्हारा है आधा जुनैद की दुल्हन का। शुक्र है मेरी बारी तो आ गई।
अब जुनैद भाई जैसे ही पाकिस्तान आए ना, आप फौरन उनकी शादी कर दीजिएगा बस। दिन रात दुआ करती हूँ वो आए तो सही। अच्छा ये देखो, वाओ बहुत खूबसूरत है। नानी बस मैं ये चाहता हूँ कि किसी चीज की कमी ना हो, हर चीज माया की शायाने शान हो, और जब वो हॉल में आए ना हर कोई उसे देखता रह जाए। इंशाल्लाह बहुत प्यारी लगेगी, वो वैसे भी बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा भी बहुत सारी खूबियां होंगी उसमें, आप खुश हो जाएंगी। मैं बेटा बहुत खुश हूँ, अल्लाह हमारी खुशियों को नजरे बस से बचाए। आमीन। मगर अब तो बात बिल्कुल तय हो चुकी है, नानी और अम्मार खानदान में मिठाई भी तकसीम कर चुके। इस वक्त माया के इनकार से कितनी बड़ी परेशानी फैली कि इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें फरिया? हाँ, लेकिन माया को अम्मार पसंद नहीं है राना, और उसे जबरदस्ती इस रिश्ते के लिए राजी किया जाए ये भी तो गलत है। जरूर किसी दूसरे लड़के का चक्कर है, वरना अम्मार जैसे लड़के को कोई लड़की कैसे नापसंद कर सकती है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? ऐसी कोई बात नहीं है, माया ऐसी लड़की नहीं है, उसे बस अम्मार नहीं पसंद, और मुझे लगता है कि हमें उसकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। मुझे बताओ मैं क्या करूँ, इस परेशानी का कोई हल है तुम्हारे पास? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अम्मार किस कदर खुश है तुम सोच भी नहीं सकती, कितना चाहने लगा है वो माया को, और उनके घर में तो शादी की तैयारियां तक शुरू हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हेलो, मैसेज किया पड़ा तुमने? माया तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने मना कर दिया, मैं कराची वापस आते ही तुम्हारे वालिद से मिलूंगा। तुम फिक्र मत करो, कुदरत ने हमें फिर इतने सालों बाद यूं मिलाया है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। जल्दी आओ सलमान, मैं बहुत परेशान हूँ, अब्बा ने तो जैसे अपना फैसला दे दिया, मेरे इनकार की तो कोई अहमियत है ही नहीं, बहुत डर लग रहा है। माया तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बस यहाँ कुछ मसले मसाइल हैं जिनके हल होने तक मुझे यहाँ रुकना होगा। पापा के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है जिन्हें पूरा करना पड़ता है। काश काश मैंने तुम्हें पहले ठुकराया ना होता, सारी गलती मेरी है। It's okay, माया। वैसे भी कहते हैं कि हर बात का वक्त मुकर्रर होता है। अच्छा सुनो, अब मैं फोन बंद कर रही हूँ, देखो कॉन्टैक्ट में रहना, और जब कॉल करो तो फौरन से पिक कर लेना कॉल, जब फोन नहीं उठाते तो मुझे बहुत परेशानी होती है सलमान। माया यहाँ बहुत मसरूफियत होती है और मेरे फोन भी बंद रहते हैं, मुझे जब फुर्सत मिलेगी तो मैं तुमसे खुद राब्ता करूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। उस रोज माया का रवैया कितना बुरा था, काश अंकल भी नोट कर लेते और फैसला करने में इतनी जल्दी ना करते तो मुझे नानी और अम्मार को माया का इनकार बताने में इतनी मुश्किल ना होती। मुझे बताओ मैं क्या कहूँ उनको? कुछ भी करो राना, बस किसी तरह अम्मार को इस बात के लिए राजी कर लो कि वो खुद इस रिश्ते से मना करते हैं। अभी इतने दिन तो नहीं गुजरे, रिश्ते और मंगनियां तो टूटती रहती है ना, अगर अम्मार इनकार कर देगा तो ये सारी बात ही खत्म हो जाएगी। और सिराज अंकल, उनके बारे में तुमने कुछ सोचा है? हाँ सोचा है, मुझे पता है कि उनको इस बात से बहुत दुख होगा, लेकिन वो दुख उस तकलीफ से बहुत कम है जो उनको माया की नाफरमानी से होगी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे राना। तो ये कहो कि तुम सिर्फ माया को बचाना चाहती हो, किसी और की फीलिंग से तुम्हें कोई गर्ज नहीं है फरिया, सिराज अंकल से भी नहीं। इसी में सबकी भलाई है राना। ठीक है फिर एक काम करो, तुम उससे मिल लो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुद ही समझा दो उसको। मैं जी आप मैं अम्मार को बुलाती हूँ, स्कूल के बाद हम उससे मिल लेंगे। अच्छा है ना, जो भी बात है अभी क्लियर हो जाएगी। अम्मा
तुम उसी से बात करें, कब तक आएगा वो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली फरिया को तुमसे कुछ बात करनी है, इसी ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा, क्या कोई खास बात है? फरिया ये तुम्हें खुद बताएगी। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ, ठीक है? मैं जा रही जी। वैसे मुस्तकबिल में मेरा और आपका जो रिश्ता होने वाला है, आप मुझसे कोई भी फरमाइश कर सकती हैं, ना मुझे पूरी करनी पड़ेगी। मैं इकलौती साली बनने वाली है। अम्मा, मार्केट जाना है मुझे, थोड़े पैसे दे दे, मतलब थोड़े ज्यादा ही सही। अरे एक जरूरी बात तो बिल्कुल भूल गई, सलमान से बात कर लेती हूँ, उससे पहले वो बिजी हो जाए। सलमान, शुक्र है तुमने फोन तो उठाया। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, जब तुम अब्बा से मिलने आओ ना तो। सलमान नहीं है इस वक्त, बाद में फोन करना। हाँ, तुम कौन? मैं सलमान की बीवी बात कर रही हूँ। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ अमार साहब। हकीकत यह है कि माया आपसे शादी नहीं करना चाहते। ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि हमारे घर में कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। तो आप ही बात मुझसे क्यों कर रही हैं? बड़े अब्बा से कीजिए, आखिरी फैसला तो नहीं कर। हमारे घर में बड़े अब्बा के फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बदकिस्मती से वो और माया दोनों ही बहुत जिद्दी हैं, और मैं ये जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि ये आपके लिए बहुत तकलीफ दे है, लेकिन इस वक्त आप ही हमें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। मैं हमेशा आपकी बहुत एहसान मंद रहूंगी। देखिए, अगर इनकार आपकी तरफ से होगा तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी। वैसे भी इस सिचुएशन में ये शादी ना तो आपको खुशी देगी ना ही माया को। ये बात कहने के लिए आपसे माया ने कहा है? नहीं, ये बात मैं खुद कर रही हूँ आपसे, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मेरी बहन अपने फैसले से पीछे नहीं हटती, और वो साफ इनकार कर चुकी है कि वो आपसे शादी नहीं कर सकती। अमार से बात कर ली है माया, मैंने उससे कह दिया है कि वो शादी से इनकार कर दे। सुनकर बेचारे को बहुत अफसोस हुआ, जो खुद भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने मुझे कहा था। अब तो नाराज नहीं होना तुम मुझसे, वो शादी से इनकार कर देगा और ये सारी बात ही खत्म हो जाएगी। तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी फरिया? मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि तुम फौरन से जाके अमार से सब कह दो? क्या बोल रही हो तुम ये? तुमने मुझसे खुद कहा था उससे बात करने को। क्या मतलब है तुम्हारी बात का आखिर? यही कि मैंने अपना फैसला बदल लिया, राजी हूं मैं इस रिश्ते पर। मुझे मार से शादी करने पर कोई एतराज नहीं। ये क्या मजाक है माया, जिंदगी के फैसले इस तरह से नहीं होते। अभी कल तक तुम अमार का नाम नहीं सुनना चाहती थी,
साफ मना कर दिया था तुमने। तो मेरी बात कोई पत्थर पे लकीर तो नहीं? मैंने सोचा तो मुझे लगा कि अब्बा ने फैसला किया होगा तो ठीक ही किया होगा। और फिर तुम भी तो मुझे यही समझा रही थी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने सबकी बात मान ली। हाँ, पहले मना किया और अब राजी हूँ। वाह वाह, क्या बात है! तुम इतने आराम से अपने ख्यालात बदलने वाली नहीं हो, इतना जानती हूँ मैं तुम्हें। कुछ और बात है ना माया, तुम्हें इस तरह मुझसे सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं। याद रखो, हमारे घर में रहती हो तो जरा तमीज से। और वो कौन है जो बड़े अब्बा से बात करने आने वाला था? तुम मुझे इस तरह से टाल नहीं सकती माया। मुझे उस शख्स के बारे में बताओ जो बकौल तुम्हारे तुम्हारी जिंदगी में आ चुका था। वो तुम्हारा मसला नहीं, तुमसे जितना कहा जाए बस उतना किया कर। जाके मार से कह दो कि तुम्हें गलत फहमी हो गई थी, बस बात खत्म। क्या हो रहा है ये? तुम्हारी आवाजें बाहर तक आ रही है। अच्छा हुआ माँ आप आ गई, वरना मैं तो आप ही के पास आने वाली थी। जरा चाय तो ले आना मेरे लिए फरिया, सर में बहुत दर्द हो रहा है। वालेकुम सलाम, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो बेटा। प्लीज अभी नहीं। क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अम्मार, क्या हो गया अम्मार को? परेशान लग रहा था, वरना कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बात सुने बगैर चले जाए। या अल्लाह, मेरे अम्मार को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, लगता है नजर लग गई। कुछ भी तो कितना था मेरा बच्चा। माया बेटा, तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है ना? कहीं अब्बा की वजह से तो नहीं कह रही हो? देखो बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, और अब्बा भी कौन से मेरे दुश्मन है कि हम इस तरह घर में ग्रुप बना के बैठे हैं। अब फिर शादी तो करनी है ना, तो फिर ठीक है, अब्बा को ही खुश होने दो। हम और इंतजार कर सकते हैं माया, हो सकता है कि कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, पैसे वाला, स्टेटस वाला। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है अम्मा, बहुत वक्त निकल गया, खुद को धोखा देते रहता है। बस अब और नहीं, सर उठाकर जीना चाहती हूँ मैं। अगर अम्मार मेरे काबिल नहीं तो उसे बनना पड़ेगा, और वो बनेगा, आप देखेंगी। कॉल की है लेकिन वो मेरी कॉल नहीं पिक कर रहा है। जिसे आले वो इस वक्त किसी से भी नहीं बात करना चाहते। मैं काम करती हूँ, मैं ना अम्मार का नंबर देती हूँ, तुम खुद उसको कॉल करो और उससे बात करो, अब यही मुनासिब रहेगा। अल्लाह का शुक्र है भाई, तुम लोगों को भी अकल आई। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ, वरना तुम लोगों ने तो मुझे बिल्कुल मायूस कर दिया था। आपने तो मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, जबकि मैंने हर हाल में आपका साथ दिया। कभी एक लफ्ज शिकायत का मैं अपने मुंह पर नहीं लाई, लेकिन दिल में 100 हसरतें होती हैं सिराज साहब, मेरे अंदर भी है, अब जब्त नहीं होता मुझसे। अच्छा चलो, बहरहाल इस वक्त हम सिर्फ माया की शादी की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का है अम्मार, तुम देखना माया बहुत खुश रहेगी उनके घर में। उन लोगों को मेरी बेटी की बहुत कदर करनी चाहिए सिराज साहब, ऐसी लड़की पूरे शहर में उन्हें मिलेगी नहीं।
मुझे लगता है कि अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। अगले महीने का आखिरी हफ्ता ठीक रहेगा मेरे ख्याल। इतनी जल्दी? मेरा तो ख्याल है पहले ही बहुत देर हो चुकी है। और मुझ पे भरोसा रखो, मैं वो ही करूंगा जो माया के लिए बेहतर है। मेरा फोन देना जरा। हाँ। शुक्र है तुम कमरे से बाहर निकले हो। रात को खाना खाए बगैर ही सो गए थे। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेटा बहुत परेशान रही सारी रात। अपना ख्याल रखा करो। मुझ में अब हिम्मत कहाँ रही। अच्छा है माया आ जाएगी ना, खुद ही संभाल लेगी तुम्हें। मेरी तो बेफिक्री हो जाएगी। तानी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी। अरे पहले खुशखबरी तो सुन लो। उस राज मियां का फोन आया था, कह रहे थे अगले महीने आखिरी हफ्ते में शादी की तारीख रख लेते। नादरा ने भी बात की मुझसे, बल्कि माजत कर रही थी। उस दिन कुछ परेशान थी वो। बहरहाल तुम्हें बहुत मुबारक हो, मेरे तो खुशी से हाथ पैर फूल रहे। यानी आपने सही सुना ना, कहीं ऐसा तो नहीं आपको सुनने में कोई गलती हो गई हो? अरे ऊंचा नहीं सुनती, हाथ पैर कान वान सब मेरे सलामत है। लो बताओ भला, अब मेरे कानों पे भी शक होने लगा है? फिर उसने ऐसा क्यों कहा? किसने क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। आज शाम आ रहे हैं वो लोग हमारे घर, फिर तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। अमार बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। तू करार है, तू करार है, तू करार है।